फिर प्योरिटी वाले पासे जाणगियां या ये बैक जाणगियां, ये 50 नस्लां रख के इन्होंने बैक नहीं जाना। नहीं मैं तो उस तरह ही गल कर रहा ना जिस तरह फिर पहले रखी। सब तो वड्डी चीज एक्सेप्ट करना होंदा। तुसी किसी भी छत चले होगे ना, उहदे कोल 200 जोड़ा, उन्हें तुम जो जोड़ा फलाना उन्हें कहना इहदा बच्चा बाजी जुड़िया, तो वह जोड़ा उहदे कोल किन्नी देर दा है, 5-10 साल का जोड़ा, वह तो एक ही बच्चा बाजी जुड़िया, बच्चे उन्हें एक ही कढ़िया अज तक, ज्यादा कढ़िया साल च पांडे भी ना भी फिर वह चार झोलियां पल जांदियां। ये तो मतलब उन्दे या एक या दो बच्चे बाजी च पे ने टूटे ने बाकी डिगे। हुण मैं मेरे मैं मेरे को कबूतर ने 200 जोड़ा मेरे को, मैं उस चीज़ को एक्सैप्ट करांगा कि मेरे कबूतर सही नहीं है, इन्हें सिर्फ दो बच्चे होते हैं, तो फिर ही मैं उन्होंने सही कर सकांगा ना। हुण मैं एक्सैप्ट ही नहीं करांगा, मैं कहना साकब आया इन्हू बच्चे बेचिए 5-5 हज़ार का बच्चा देिए तेन दसी बाजी च पे। यानी कि तुम कह रहे हो कि तुम इब्राहिम बनना पैना, तुहानू अपनी बड़ी महबूब चीज ते छुरी चलानी पैनी। हाँ अगर सही करना तो साफ करना है, तुसी अपना साफ करना पैना, अपने खुदे दा तसाब करो करना पैना। जिन्ना जिकर बंदा खुद दा गिरबान नहीं ना देखदा, अपनी गलतियां कवर नहीं कर सकता, अपने अंदरों खामियां कढ़ नहीं सकता, एक्सेप्ट करेगा कि मेरे अंदर खामी, फिर ही कर सकता। मैं तुहानू दस्सिया एक या दो नस्लां दे काम करो जिहड़ी तुहानू पसंद है। अच्छा असीं एक या दो नस्लां दे काम करने आ, ठीक है। एक मिसाल है तो हूँ वो चीज़ ना जी मैं तुम दसी है कि असं भी तो इन्हें नाल ही दौड़ने पे सन, सारे एक लाइन च सन, ठीक है। तो मैं एक बंदे की गल सुनी समझे, तो मैं उन्होंने तस्लीम कर लिया कि नहीं यार जी गल कर रहा ठीक है, तरह मुलाकात हुई, इन्होंने मुलाकात हुई, आपस गपशप होंगी रही, देखा कि नहीं यार बंदे गल् ठीक कर रहे हैं, तो इंज होना चाहिए, यह जड़ियाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एको ही जोड़ा वह एक बच्चा, दो बच्चे, तीन नहीं उड़ने चाहिए, वो जो चंगा तो उसे 10 ही उड़ने चाहिए, कम अज कम 7 उड़ने चाहिए ना, 10 वाले तो अजकल नहीं है, अजकल नहीं है, अजकल नहीं है। हूँ जो है ने जो चंद खराब हो गई नस्ल, ठीक है, लेकिन है ने मौजूद ने, असं की चीज़ वेख के इन्हों रखीए कि परसेंट हुए इन भी हूँ रोल है। हम तुम वैश्य कबूतर देखे असल नहीं, असल का नहीं नहीं ना पता, इस तरह जिन्ना नहीं देखे उन्होंने किमें पिछल जाएंगे, तो पहले वह पता होना चाहिए कि पिछे हो नसल है कि उस जिस तरह थोड़ा चिट्टा कबूतर वापस ले जाने वाला कबूतर, जी कबूतरी मैं लाई वो बेसिकली ग्रास है, लेकिन वह बहुत अच्छा ग्रास है, वो नसल बनाने वाला ग्रास है, तो अगर उस मतलब जिहड़ियां नसलां बनिया वह क्रासां नाल ही बनिया, तो लेकिन एक जगह पर आकर प्योर हो गई। 35 वाले ने 35 वाले ही बच्चे काट देने, 35 वाले कोई डायरैक्ट नसल नहीं हैगी, वो क्रासां नाल ही बनी, लेकिन उन्होंने उस्तादा नूं पता सी कि यह रिंग टुटेगा तो यह नुकसान हो जाना अख का, वो रिंग नहीं सी टुटन देंदे जो क्रास देंदे सन, तो अजकल अजकल आ जाता दाग आ जाता बेबी आ जाता बड़ा कुछ आ जाता बड़ा कुछ आ जाता रिंग तो उत्ते रिंग चढ़ जाता, फिर भी उहदा बच्चा बाजी च पै रहा क्योंकि विकने उहदी उह असी डेफिशिएंसी कर ही नहीं सकदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਠ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਤਾਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ, ਤੰਬੂ ਲਵਾਓ ਭੈਣ, ਤੰਬੂ ਲਵਾਓ, ਦੇਗਾ ਪਕਾਓ, ਹਾਰ ਮੰਗਾਓ, ਜੋੜਾ ਮੰਗਾਓ, ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਕਿ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ, ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਮੁਖਲਫ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟਰਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
जी गल कर रहे ना कि कमर्शियल जो हुई है ठीक है खाली उस्ताद को ब्लेम ना करिए लोगों ने भी यार वो जो काम किया तरीका बदल गया देखो हूँ एक बंदा मंगता है कि वो जाए मेहनत ना करनी पे है ठीक है उन्होंने तुम चंगी चीज़ दोगे ना वो साल कभी वेट नहीं करेगा हम तुम कहोगे ना कि यार एने दस पर बाद उड़ना है या नहीं अगले सीजन जाके उड़ना है उन्हें नहीं वेट करना ठीक है मैं अपनी गल करना फिर तुम मैं दसी सी कि गल तो मैं मेरी नज़र च फारक सी उत अगले साल उन्हें मैंने चमत्कार रुलाया ने तो मैं कहूँ तेरा भला हो तेन मैं नखिंदता रहा समझे लोगों का भी कसूर है लोग काली तबीयत ने बड़े बहुत जल्दी हो जल्दी ना उड़न लग पे अज ही हो महीना उन्हें परवादा बड़ी चंगी दी उस तो बाद सलाम मारे हो पे गया पता ही नहीं डिग पे लो जी इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरी कोशिश अपनी करांगा एक तो इमरान भाई की भी गल के पहले सिलेक्ट करो तुम रखना की तुम जो पसंद है ना वो तो मेहनत करो ठीक है जोड़ा एको ही काफ़ी होंगे ठीक है मत तुम रंग बिरंगे दुंबे भी रख लेने खच्चर भी रख लेने घोड़े भी रख लेने सारे रख लेने नस्लों कट्ठिया करें ना कुछ नहीं ठीक है जो मैं हूं तक इन्नी देर की बहस नाल हिसाब लाया कि नस्ल सारी ही उड़दी हैं सारी अकलमंद ने ठीक है बस उन्होंने एक स्ट्रक्चर एक मयार जो मेनटेन रखना पेगा ठीक है अगो जी ताकि अख सोहनी लगती है ना है वो तो काम करना शुरू कर दो मत इन ज्यादा रखो ऐसा नहीं गल है जो जुआ खेडना बाजिया लानिया ने जो नहीं लानिया शौक करना शौक है जे यानी कि मेरा शौक है जे कि मेरे को शामी टाइम होंगे मेरे को लगाना टाइम कोई नहीं चलो जी मैं कबूतर रखे ने उन्होंने मैं दाना पा दिना इन नस्ल मेरी समझ उदो आवे जिदा लखा दाजिया लगदिया ने जुआ खेडन का तुम शौक है जे तो सब कुछ रखे जब तुम शौक वास्ते रखे तो दो कबूतर बड़े ने फिर ढेर लाने की की लोड़ है सही गल जे शौक है दो कबूतर बड़े ने फिर ढेर लाने की जरूरत नहीं है हाँ जो तुम जुए खेडने ने जना साहब वो बाजिया लानिया ने तो मकान मकून लाने ने तो चुदराहट बनानी है जे फिर रखो 500 कबूतर 1000 कबूतर अच्छा वो जरा जुड़ा तुम कह रहे हो जी गल हो रही कि एक रख लो ठीक है वो एक जुड़ा अस रखने इंजी जाँचने भी हाँ ठीक है उन्होंने समझ लो कि असी 60% कबूतर है तो कोई 60-70% कबूतरी है वो असं ला दें ठीक है वो बच्चे असं उम्मीद करते कि 80-90% प्योरिटी अपनी नसल से चले जाए हैं अगो जो तो बच्चों के असं जोड़े लाने आपस कि वो नसल खराब नहीं होगी बच्चों के जोड़े मैं इस तो पहले अज फागना बन गया अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड की बच्चों के जो जोड़े लाने ना वह भी एक तरीकाकार है जो ब्रीड के अंदर रह के ब्रीड चलानी होंगी है ना तो फिर झोलियों का फर्क पाईदा पहली झोली की जोड़ा जोड़ा लाया पहली झोली की पट्ठी अठवीं झोली का पट्ठा सतवीं अठवीं झोली का अठवीं फिर पहली वाली आ जाएगा फिर पहली वाली आ जाएगी अठवीं झोली का पट्ठा उनका आपस जोड़ा लाना जिनी उन्होंने झोलियां घटाई जाओगे उनके चो खामी आना शुरू हो जाएगी अगर तुम नहीं करते तो फिर फिजिकली भी खामी आदि बच्चे मरना शुरू हो जाए ब्लड थिक बहुत ज्यादा थिक हो जाता जे असूल तो रही है तो फिर ना प्योरिटी वाल भी आता रहेगा प्योरिटी वाल आएगा मजीद हाँ तरीकाकार कितने जाके मुकम्मल प्योरिटी वाल आ जाएगा जिथे जाके उन्हें सत्त रिंग पूरे हो जाएंगे उनके अख का रंग चुंझ का रंग पंजिया का रंग कबूतर का रंग कंडे का रंग है सारे सेम हो जाएंगे उत्थे जाके चुंझ पंजे जुबान 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 का अगला छोर जुबान पलक कबूतर का अपना रंग और कंडा ना कंडे का रंग पंजे का रंग छे चीजा हो गई पलक अख का रंग हलक चुंझ का रंग जुबान का रंग हलक का रंग कंडिया का रंग पंजिया का रंग कबूतर का अपना रंग किनिया चीजा हो गई अठ पॉइंट कबूतर चुंदा है कि अठ चीज़ा एक वर्गिया होनी चाहिए ने वह कबूतर से लभो अठ चीज़ा एक कबूतर जिस दिन लभ छड़ गया उस दिन मैंने भी दिखा देना नहीं जिमें दस रहे ने ना उम्मीद ना करो
लेकिन पहले यही दस रहे सन सारिया गल मलाम भाई ने बह के दसिया इन्नी देर तो समझाते पे यार ऐ करो अंज नहीं करो ठीक है तुसी तो बोली घट सो ठीक है यही दस दे पेने उदो तो सिर ही खपांदे पेने आ कि यार मैं छड़ती मैं वेख वेख खप खप के मैं चल यार हूं ठीक है तो जिस तरह गल साडी होई है इस तरह कि यार नस्ल नूं अंज बैक ते लै के जाइए असीं तो फिर तो चीज़ा पूरिया हो ही जाणगियां फिर दूजी गल ये नस्लों च बिगाड़ पिया तो ये नस्लों च ही ठीक होना फिर तुसी अपने हिस्से का हुण काम करो उस तो बाद जो अगले शकीन आने वो अपने हिस्से का काम कर फिर ये चीज़ा अपने आप च वापस जाएगियाँ तुसी कहो कि ये चौथी झोली च 100% प्योर आ जाए ये नहीं आने अच्छा एक सवाल और पूछ ला जिन्हें वेखी उन्होंने कहना यार इतने पता नहीं फस गया लेकिन मैं यार पता नहीं गल देन च आई वो मैं कर ला यही कबूतर ठीक है सारिया चीजा पूरी डबल कंडे वाले नाल जुड़ी वेन ठीक है जोड़ा असं लाने ठीक है ये अगे जाके सिंगल कंडे वाले भी आने यानी कि बेहतरी तो बेहतरी होंगी जाएगी इन्हों की अगर असं एम जी इन्हों झोलिया भी रखते हैं कि भी इस झोली ने इस झोली है ठीक है जोड़े लाइए लेकिन टाइम ही चाहिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए नस्ल बिगड़िया तो नस्ल ही चाहिए मतलब एक तुसी जोड़े दे दस बच्चे कट्ठे कर दो अच्छा हुने नसल कट्ठी कर मैं दसो कि इन्ना बच्चियां जिहड़ा औखा सवाल है औखा काम है असल कितनी देर बाद जुड़े पाई 3 साल बाद असूल है ही कहंदा 3 साल बाद कबूतर या कबूतरी ने 3 साल तो पहले जवान होना यार आम जी गल है जी मैं तुहानू उदों भी दस्सिया कि 12 साल की बच्ची बच्चा पैदा कर लेगी क्यों नहीं करते उनके बालग होने इंतजार क्यों करते हो 18 साल 19 साल 20 साल 18 साल तो पहले तुम उनकी शादी नहीं करते क्यों क्योंकि 18 साल से बालग होती है अजय उस तो पहले उनके अपने अंदर जान नहीं है उन्हें अगे की कन्वर्ट करना है इसे तरह पट्ठी जी आंडे ला रही है उन्हें वो खत्म हो गई है वो खत्म हो गई है उनकी अपनी ग्रोथ ही खत्म हो गई इन्होंने कंसेप्ट जवानी 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 जिन्नी देर तक नहीं आएगी उन्नी देर तक अच्छा कम से कम कितना करसा वेट करना चाहिए 3 साल 3 साल तो क्लियर होंगे लेकिन बड़े 2 साल कर लो बहुत काले ने 3 साल बाद देखना वही गल आ गई 3 साल उन्होंने वेट किया है बेचारे ने 2 साल लंघाए ने बड़े औखे 2 साल 6वें दिन माती मर जाती मर गई गरीब मर गया जनाब आप मर गया फिर गल उ आ गई जो तुम शौक है जे तो फिर तुम्हें चीज पहले चीजा क्यों सोच रहे दाना पाछो टाइम नहीं आने से आ रहे हो ना यार मैं जो इधर सज्जे खब्बे बह के करांगा टाइम जाए चलो मैं परिंदिया को नहीं शौक देखो मेरी गल सुनो एक शौक हों यार तुम सारिया गलां लै जो जिम्मे बाजिया लगियां ने जिम्मे लखा का जुआ लगा जना कल इमरान भाई गल सवाल उन्होंने है ने कि भाजी मैं 2 साल रोकिया जो उस तो बाद मर गया तो फिर मैं की करांगा तुम जे खलूस नीयत काम करते पे ना फिर रबी भी मदद पैंदी है जे नहीं मरेगा नहीं मरेगा 10 साल नहीं मरेगा मेरे ना पिछे बुजुर्ग ने अक्सर बैठे रहते सन इस तरह ना इधर मूँह करके बाहर छाते तुपे तो मैं कबूतर उड़ाना सुते उन्होंने वेख रहा मैं कहना यार बाबा जी हरे को काम करवा रहे हैं कि इतने बैठे रहते हैं तो एक दिन की होया उन्होंने एक कबूतर टेप पर ला उन्होंने तो भुड़क ने एक सैड टेप लगी दूजे सैड इतने आ गया मैं फड़ लिया थले बाबा जी आए बड़ी मुश्किल ना टुर गया नाल उन्होंने पोतरा कहते ने पुत्र मेरा कबूतर उत्ते आ गया मैं किस तरह का उन्हें कहा जी वो अंज मैं एक सैड से टेप लाई सी मैं कहा आहो मोतियां का कबूतर आहो उदा की जुर्माना यार मैं दे दे मैं कहूँ तुम उत्ते बैठे रहें तुम इधर मूँह करके वो कबूतर भी इधर कहते मैं खुडे रखे कबूतर उत्ते ना अंदर डोलियां जी रखी हैं कबूतर रखे ने मैं वे इधर इन्हें दाना पा छड़ना गुटकते रहते हैं तो यार मैं पर बन छड़ना तो मेरा दिल लगा रहता तो की जुर्माना मैं जुर्माना तो मैं आके दस मैं आया उत्तों एक मैं कबूतरी फड़ी वो मैं जाके मैं जी आ कबूतर जे ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
जाके जोड़ा ला दे, वो मेरे मुँह वाल वेखन लग पे कि यार इन्हें की किया है, या कि मेरी कोशिश थी कि यार शौक मजीद परवान चढ़े। तो मैं क्या बाबा जी इन्हों के बच्चे निकलेंगे ना छोटे छोटे हो गए, तो उन्होंने बहर पा देना, उड़ाया भी करो। उन्होंने कहा यार मैं उड़ा नहीं सकता, एक तो मल्लेदार की सोचेंगे, ठीक है हूँ मैं नूह आना पोतरे पोतरिया आना, तो बस मैं ना मेरे से इन्नी हिम्मत है, हिम्मत भी नहीं है, बस इन्ना ही एक तो हो गया वह बंदा कि जिन्हें सिर्फ दाना ही पाना उन्हें वेख लिया बस ठीक कोई गल नहीं, इन्नी जिंदगी जिथे हैगी मैं 3 साल होर 6 साल होर इन्हों में वेख लाँगा। एक भाए ना वो बच्चा भी है छोटी उम्र का जिन्हों जनून की हद तक शौक है कबूतर उड़ान का, और वो ताड़ियाँ वीडियो वेखता पाया ताड़ियाँ गल्ला भी सुनता पे, वो की करे इंतजार नहीं कर सकते तो छड़ दे। इंतजार किस चीज़ का? टाइम का, जिस टाइम जिस काम को जिन्ना टाइम चाहिए उन्ना टाइम तुम दोगे, नहीं दोगे तो यार इस कुर्सी में बनने कि मटीरियल तो कि टाइम चाहिए कि डंडी मार कर लें, कि डंडी मार इंज कर लें कि एक बंदा आदत पई है कि नौवीं कली की कबूतरी या कबूतर जोड़े ला दिता, ठीक है, तो जे अगर उन्होंने कही कि यार वो कहना चल यार मैं कुछ 6 महीने साल कढ़ लैना तो बेहतरी होगी, बेहतरी होगी तो बेहतरी ना तो बेहतरी है ना तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है कि कम अज कम इन्हों से कर लै गल है जो उस्ताद जी, लेकिन प्रॉपर उ चीज है कि कम अज कम दसा कि एक कबूतर एक साल पहले साल एक 1.5 बजे तक उड़ता से, दूसरे साल जाके उन्हें शाम का टाइम किया, उन्हें 2 साल लगे अपने अपनी परवाज पूरी कर अपनी परवाज होंगी। असी उस्ताद अक्सर सुने ना कि 7 बजे वाला कबूतर शाम 6 बजे बनते हैं या 10 बजे वाला शाम 6 बजे बनते हैं, कबूतर की परवाज होंगी लेकिन वह खुलिया नहीं होंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई होंगी, वह जुड़िया होंगे तो उन्होंने जो मेडिसन देंगे अपनी परवाज पूरी करके आता, अपनी परवाज तो तुम 2 घंटे ज्यादा उनकी एनर्जी लवा सकते हो, जोर लवा सकते हो, 2.5 घंटे बाद जोर लवा सकते हो, उस तो बाद जोर लवाओगे तो फिर वह जाएगा, फिर की कहते हैं जहाज बन जाता जो सुबह 7-10 बजे वाला कबूतर शाम बन देने और कबूतर की अपनी परवाज ही होंगी तो उन्होंने अपनी परवाज पूरी कर लगे 2 साल लगे तो जो तुम 3 साल उड़ाया होंगे तो उन्हें अपने पीक टाइम पर आ जाना सी, शायद होर अपना टाइम बढ़ा जाता तो वह 3 साल उन्हें जो टाइम करना सी ना उनका 15 साल की उम्र तक भी उही टाइम करना सी, जिहड़ा कबूतर अपना टाइम इस तरह करता है जिहड़ा कलियां जाके शाम पांदा ना कलियां जी अगले घर भी जाता है वह भी क्रास सी, लेकिन कुछ आ गया होना अच्छा ब्लड लाइन परसेंटेज अच्छी आ गई होनी है, वह कबूतर सी जिहड़ा तुसीं कहा सी अपने पार जिहड़े ना इहदे वजूद दे हिसाब नाल उहो जिहा पार नहीं, ठीक है उहन दा ते गोल्डन दा क्रास सी, हाँ ठीक है मादी के पर जो हो बहुत अच्छे होने उन्हें आगे बच्चे के पर बैलेंस करता होगा। अच्छा दूसरा जी पट्ठी लाई से पर कि याद भी पट्ठी पट्ठा दो भी मंगा लेना कहें तुम बहाना हो चलते चलते तुम राह च बहाना नहीं नहीं मंगा लो दे है मंगा लो मंगाने देखने। अच्छा सुनो गल हूँ वो साइज सिर्फ वह थोड़ा कि छोटा किया ठीक है तो वापसियां भी होंदिया रही पूरा साल उन्हें वापसी की थी। अगला साल भी उन्हें वापसियां की हूँ ताड़ी गल जी ताड़ी उस चीज़ का जवाब है जैसे कबूतर का साइज छोटा करता हूँ मैं तुहानू देख के की किया सी जिन्ना कबूतर का वजूद है जे उन्हें इन्हें पर नहीं है ना कि इन्हें वजूद संभाल लें तुसी वजूद घटाता पर बराबर आ गए ताडे सवाल का जवाब ताड़ी गल ची है तुम की किया पट्ठी च क्वालिटी होनी है कि उन्हें उनके पर इन्ना मजबूत करता होना है कि जो अगे बच्चा आया उन्हें उस वजूद पर संभाल लिया गुप्त खत्म होती मैं मंगा खत्म खत्म कर दो मैं चाह रहा जरा फिर थोड़ा स्टॉप करो ताकि मैं मंगवा नहीं मंगवाओ खैर शानी करो
बातें इनकी बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है, इसलिए इनसे जरा ताल्लुक काफी ज्यादा हो गया हुआ है। कबूतरबाजी को काफी अच्छे कंसेप्ट है इनके, काफी अच्छा तरीके से समझते हैं ब्रीडिंग को भी और उड़ाने को भी। और साकिब भाई को भी आप जानते हैं, इनके इनके कबूतरों का शौक भी इनने करवाया हुआ, तो इनसे जरा मिलना जुलना हो गया। आज वीकेंड था, बैठे हुए थे तो बातें बड़ी मजेदार हो रही थी कबूतरबाजी के हवाले से, इस वजह से जो है ना मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सरसरी सा एक एक मिनट का जरा इनका साकिब भाई का इमरान भाई के व्यूज ले लेते हैं व्यूवर्स के लिए। इमरान भाई व्यूवर्स के लिए क्या व्यूज है आपके? जो व्यूज है वो सारे दे दिए हुए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है साकिब भाई, भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो है ना वही जो बात की थी कि बेहतरीन दलील के सामने ना आपको मान जाना चाहिए, हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जरूरी नहीं कि यार एक बच्चा अगर किसी का उड़ गया तो वो जोड़ा बड़ा बेस्ट है, कैंची फाड़ दो तो अगर जोड़ा अच्छा है ना तो उसके दस से दस बच्चे अच्छे होने चाहिए, ठीक है दस ही अच्छे होने चाहिए। ऐ कोई नहीं कि यार अपना एक अच्छा है दो अच्छे ने तो बाकी अठ चले भी गए तो खैर है यार, वो या चील पै गई उ गल या बदल आ गया, ठीक है तो या मरीख तो चले गए। दलील समझने होर बड़ी आसानी है, अली भाई ने कबूतर बनाए, जवान साहब ने बनाए, ये बंदे है सन, इन्होंने अपनी नस्लां बनाइया, इनका मतलब है जे कि समझते सीगे, इनका मतलब है जे कबूतरबाजी एक फन है। जे हुण तुसी मैनूं इह दसो तो गल तो छेड़ दी फिर है अली वाले कबूतर भी तुसी अली इसको बुला और उसे कहो इहनूं कहीं लैके आए कबूतर वाला वह वड्डा कमगर वाला जोड़ा भी लैके आए। अच्छा हुण जिहड़े अली वाले कबूतर ने ना, क्योंकि मैं तुम दसा कि मेरा लिंक भी है पिछे मेरे रिश्तेदार भी ने सियालकोट दे, तुसी तुसी जिहड़ी मर्जी छत चले जाओ ना तुहानूं एक वखरा ही अली वाला दिखाणगे। ज्यादातर लोगों ने धोखा भला के दिता है, थोड़ा गहरी यार जरा बाहर चला जा, जरा गहरी अखा ले नी गहरी अखा ले उन्होंने भाजी कांटे शांटे होन बल्ले मथे होन ते ओह कहणगे जी ऐ अली वाला। लेकिन असं जो किसी को पूछिए होर को कहने यार हल्का जहा ग्रे शेड आता अखा च, ठीक है तो लाल रिंग भी आता अख च है उस अली वाले। हूँ हर बंदा एक वक्री गल ही करता है, हूँ साढ़े तक तो वह नहीं आए हुए कबूतर असं कि पछाणी है अपनी हर बंदा अपनी नस्ल बना सकता। चिट्टे ने नस्ल बनाई भी बड़ी वड्डी दलील है जे कि इलम है जे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਘਪਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਗਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ
ਦਾ ਰੰਗ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਚ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਾੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੱਲਾ ਮੱਥਾ ਸੀ ਕਾਂਟੇ ਕਾਂਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਸ਼ੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਲਕੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਮੱਥੇ ਕਾਂਟੇ ਫੈਂਸੀ ਭਾਜੀ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਸਦਾ ਹਲੀ ਹਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੌਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਕਬੂਤਰ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਡਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 200 ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 200 ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਤਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲੀ ਬੇਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਐਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ 101 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਲਮ ਚ ਗੱਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਇਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਲੋ ਸਕ ਤੇ ਜਾ ਲੋ ਤੇ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹੀ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।